कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीका से इस लोग की किडनैपिंग हुई है, इन सबके पीछे साफ साफ वजह भी देखने को मिल रही है कि कोई और वजह नहीं बल्कि सगुन का टेढ़ा दिमाग है। क्योंकि उसने इस समय सुमित से बदला लेने के लिए वो किस हद तक जाती है वो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस बार कहानी कुछ ऐसी नहीं बल्कि बहुत कुछ दर्शाती हुई नजर आने वाली है, जिसके बाद में सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा टेंशन में नजर आएंगे कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है आखिर सगुन। क्योंकि दोस्तों सगुन की न्यारी न्यारी गंदी गंदी हरकत देखने को मिल रही हैं, आखिरकार इस हरकत से वो करना क्या चाहती है अभी तो ये भी खुद भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रीजंस भी कई देखने को मिल रहे हैं, और कई रीजंस इसलिए ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक बेहद बड़ा सच है, बेहद बड़ी रियलिटी है आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नज़र आने वाली है आखिरकार सुमित। जी हाँ, क्योंकि सुमित की बात की जाए तो सुमित इस चीज़ को बोलती हुई नज़र आ रही है कि जो मैं करती हूँ वो मैं डंके के चोट पे करती हूँ, और आने वाले समय में मैं क्या करूँगी इस चीज़ की जानकारी ही जल्दी ही मिलने जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर साफ साफ सुमित की वार्निंग भी दी जा रही है, और वार्निंग देने का रीज़न भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों रीज़न भी कई हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुमित बेहद ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि आखिरकार जो उसने किया भी नहीं है उसकी सज़ा भी लगातार सुमित को देने की फिराक कर रही है आखिरकार सगुन। क्योंकि दोस्तों सगुन इस समय अपना बेहद ही गिरा हुआ और घिनौना खेल खेल रही है सुमित के साथ में, लेकिन दोस्तों सुमित ने भी बोल दिया है कि ना मैं कभी हार मानी थी और ना मैं कभी हार मानूंगी, ये मेरा चैलेंज है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर